हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फाइव पैसा। स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं और सबके पास ट्रेडिंग के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटजीज और मेथड्स होते हैं। ऐसे ही दो मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है और आपके लिए लॉन्ग रन में कौन सा ट्रेडिंग मेथड बेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डे ट्रेडिंग क्या है और एक डे ट्रेडर का काम क्या होता है। आगे हम सक्सेसफुल डे ट्रेडर की क्वालिटीज और टॉप स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। फिर हम डे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। सिमिलर वे में हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और एक स्विंग ट्रेडर क्या करता है। फिर हम स्विंग ट्रेडिंग की टॉप स्ट्रेटजीज को जानेंगे और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में हम डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंस भी देखेंगे और आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग मेथड बेटर है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा YouTube चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज एंड ऑफ कोर्स लर्निंग वीडियोस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में एक सिंगल डे के अंदर डजंस ऑफ ट्रेड्स प्लेस किए जाते हैं। ट्रेडिंग पैटर्न्स की स्पॉटिंग और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को पिक करने के लिए डे ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस्ड चार्टिंग टेक्निक्स पर डिपेंड करते हैं। स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसीज की ट्रेडिंग से प्रॉफिट बुक करके और अपने लॉसेस को लिमिटेड रख के एक डिसेंट अर्निंग जनरेट करना ही एक डे ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव होता है। सो व्हाट डज अ डे ट्रेडर डू? एक डे ट्रेडर फास्ट पेस्ड एटमॉस्फेयर में काम करता है और कंसाइज प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। फ्रीक्वेंटली डे ट्रेडर्स एंड ऑफ द डे अपनी होल्डिंग से एग्जिट कर लेते हैं, जहां वो लार्ज वॉल्यूम की डील्स प्लेस करते हैं और स्मॉलर मार्जिन से प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्राई करते हैं। एज अ डे ट्रेडर आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स को समझना क्रूशियल होता है। कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बना सकती हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बेसिक्स। अपना इनिशियल ट्रेड लेने से पहले डे ट्रेडर के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को समझना एसेंशियल होता है। वैसे तो ऑनलाइन आपको बहुत सी स्टॉक रिकमेंडेशंस फ्री में ही मिल जाती हैं, लेकिन आपको सिर्फ उन पर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए। स्टॉक के फंडामेंटल स्टडी करने के लिए आपको कंपनी की स्टेटमेंट्स जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा को रीड करना होगा। एडिशनली आपको मार्केट न्यूज से भी अपडेटेड रहना है, क्योंकि कई बार किसी भी न्यूज से मार्केट में मास सेल ऑफ और बाइंग की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सेकेंड क्वालिटी ऑफ एन इंट्राडे ट्रेडर इज टू इन्वेस्ट अ डिसेंट कैपिटल। मार्केट में आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना आप लूज कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होने के केस में इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। नए ट्रेडर्स फ्रीक्वेंटली लो कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, बट साइमल्टेनियसली वो हायर रिस्क भी लेते हैं। ज्यादा वेल्थ होने के केस में आप अपने रिस्क को स्प्रेड आउट करके मॉडेस्ट प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। एडिशनली ह्यूज कैपिटल के चलते छोटे छोटे प्रॉफिट से भी आप हाई प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। थर्ड क्वालिटी है बैक टेस्टिंग योर स्ट्रेटजी। एज अ डे ट्रेडर आप न्यूमरस स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटजी क्रिएट करें जो सारी मार्केट कंडीशंस में काम करे और मेक श्योर करें कि कंसिस्टेंसी के साथ आप उसे फॉलो भी करें। एक परसिस्टेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों मार्केट सिचुएशंस प्रॉफिटेबल होती हैं। और अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आपको स्टॉप लॉस का यूज तो करना ही चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिगिनर और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों ही वैरायटी ऑफ डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। फर्स्ट इज मोमेंटम ट्रेडिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप मार्केट ट्रेंड्स को स्पॉट करके उन्हें फॉलो करते हैं। ये ट्रेंड्स बुलिश, बेरिश और साइडवेज कुछ भी हो सकते हैं। द सेकेंड स्ट्रेटजी इज स्कैल्पिंग। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में स्मॉल प्राइस स्विंग से प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, जहां आपको क्विकली सेल बैक करना होता है। डे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें मॉडेस्ट प्रॉफिट से लार्ज वॉल्यूम्स जनरेशन पर फोकस किया जाता है। थर्ड स्ट्रेटजी इज रेंज ट्रेडिंग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को यूज करके रेंज ट्रेडर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कब उन्हें एक ट्रेड में एंटर और एग्जिट करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इंडिकेटर के थ्रू आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। द फोर्थ स्ट्रेटजी इज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग।
इसमें एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम से प्राइस चेंजेस को ऑटोमेटिकली ट्रैक करके ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ओवरनाइट न्यूज से इंट्राडे पोजीशंस के रिजल्ट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही अपनी पोजीशंस के पोटेंशियल लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए डे ट्रेडर्स अपनी करंट पोजीशन का असेसमेंट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग में ब्रोकर्स आपको लार्ज मार्जिन और लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप सिग्निफिकेंट रिटर्न और प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटीज के चलते डे ट्रेडिंग आज एक डायनामिक प्रोफेशन के तौर पर इवॉल्व हो रहा है और इस प्रोसेस में आप कॉन्स्टेंटली नई चीजें सीख सकते हैं। और अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है और अच्छा अटेंशन स्पैन है, तो एज अ डे ट्रेडर आप अपनी इंट्राडे पोजीशन से हाई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन सभी एडवांटेजेस के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डे ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा ट्रेडर जो दिन में 2 से 4 ट्रेड्स लेता है, उसके लिए कमीशन और ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ही इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही ऐसे कुछ एसेट क्लासेस भी हैं जिनमें डे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, और जिन एसेट्स में आप मार्जिन पे पोजीशंस लेते भी हैं, उनमें भी ट्रेडर्स को सब्सटैंशियल लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में तो ट्रेडर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर पाए और इस वजह से वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। बिगिनर डे ट्रेडर्स की बात करें तो उनके पास ना तो ज्यादा कैपिटल होता है और ना ही वो टेक्निकल एनालिसिस मेथड से फेमिलियर होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट स्विंग ट्रेडिंग इज। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग कैटेगरी है जिसमें पार्टिसिपेंट्स कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्टॉक्स होल्ड करके रखते हैं। ये ट्रेडिंग प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट पर की जाती है। डे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ज्यादा दिनों तक ली जाती है, लेकिन बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से स्विंग ट्रेडिंग का टाइम पीरियड कम होता है। सो व्हाट डज अ स्विंग ट्रेडर डू? एक पोजीशन में कब एंटर और एग्जिट करना है, इसके लिए स्विंग ट्रेडर्स लार्जली टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाई करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स सिग्निफिकेंट मार्केट मूवमेंट्स का वेट करते हुए कुछ दिनों तक अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखते हैं, ताकि वो कम डील से भी ज्यादा पैसा बना सके। बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पर सिंगल एसेट ट्रेड करने के बजाय स्विंग ट्रेडर्स अपने टारगेट पोजीशन की साइज के इक्विवेलेंट स्मॉलर डील्स की सीरीज को अटेम्प्ट करना प्रेफर करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का फंडामेंटल गोल सिलेक्टेड एसेट की प्राइस में होने वाले चेंजेस से प्रॉफिट बुक करना होता है। जब ट्रेडर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है, तब वो स्विफ्ट एक्शन लेते हैं और जरूरत पड़ने पर वो अपने लॉसेस को लिमिट भी कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और चार्टिंग जैसी वैरायटी ऑफ टेक्निक्स का यूज करके स्विंग ट्रेडर्स अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में फॉलोइंग स्ट्रेटजीज को वाइडली यूज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज ट्रेंड फॉलोइंग। इस टेक्निक में मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड्स ली जाती हैं। द सेकेंड वन इज मीन रिवर्जन। ये एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड है जिसमें ट्रेडर्स करेक्शनल प्राइस को कैप्चर करते हैं। ऐसा तब होता है जब प्राइस अपने मीन से सिग्निफिकेंटली मूव हो जाता है। थर्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज मूविंग एवरेजेस। स्विंग ट्रेडर्स के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स एक यूजफुल ट्रेडिंग टैक्टिक है। इसके थ्रू ट्रेडर्स स्टॉक के 20, 50, 200 एटसेट्रा डेज के पीरियड का एवरेज क्लोजिंग प्राइस फिगर आउट कर सकते हैं। इससे सिंपल मूविंग एवरेजेस कहा जाता है और चार्ट पर इसे लाइन से डिनोट किया जाता है। Now let's discuss advantages and disadvantages of swing trading. Swing trading एक ऐसा trading method है जिसमें stocks को short duration के लिए buy और sell किया जाता है। Money making के लिए और loss के prevention के लिए ये method suitable है। Swing trading का advantage ये है कि इसके through आप short और long term दोनों ही plans में trade कर सकते हैं। साथ ही अपने quick position adjustment के चलते swing traders low risk पर trading करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, स्विंग ट्रेडर्स को फाइनेंशियल मार्केट्स की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अपने चांसेस को मिस कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के और भी कई डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म में रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। साथ ही स्विंग ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को भी मिस आउट कर देते हैं। एडिशनली ओवरनाइट और वीकेंड्स में आपकी स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस मार्केट रिस्क से भी एक्सपोज हो सकती है। चलिए अब वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं, विच इज डे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग।
ये कंपैरिजन हमने अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर किया है। पहला है ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। डे ट्रेडिंग में एक सिंगल ट्रेडिंग डे के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स एंटर और एग्जिट होते हैं, वहीं स्विंग ट्रेडर्स ओवर अ फ्यू वीक्स अपनी पोजिशन से एंटर और एग्जिट करते हैं। एज अ रिजल्ट डे ट्रेडिंग हैज अ हायर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी देन स्विंग ट्रेडिंग। द सेकेंड पैरामीटर इज टाइम पीरियड। डे ट्रेडर्स कंपैरेटिवली कम टाइम के लिए सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं। उनका मेन गोल सिंगल डे में ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना होता है। ऑन द अदर हैंड स्विंग ट्रेडर्स कुछ वीक्स या मंथ्स तक अपनी होल्डिंग्स होल्ड करते हैं और इस ड्यूरेशन में मार्केट से प्रॉफिट बुक करने का गोल रखते हैं। थर्ड पैरामीटर इज अटेंशन। डे ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है जहां ट्रेडर्स को कॉन्स्टेंटली मार्केट मूवमेंट को मॉनिटर करना होता है। जनरली इंट्राडे ट्रेडर्स 3 से 4 घंटों के लिए ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में डेली एफर्ट और टाइम की रिक्वायरमेंट कम होती है। द फोर्थ पैरामीटर इज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। स्विंग ट्रेडिंग के कंपैरिजन में डे ट्रेडिंग के अंदर हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है, वहीं स्विंग ट्रेडर्स कुछ दिनों या हफ्तों के पीरियड में अपने ट्रेड्स में एंटर और एग्जिट करते हैं। फिफ्थ पैरामीटर इज कॉस्ट। कंटिन्यूअल ट्रांजैक्शंस की वजह से डे ट्रेडिंग की ब्रोकरेज कॉस्ट स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा होती है। मूविंग ऑन, सिक्स्थ पैरामीटर इज रिक्वायरमेंट्स। स्विंग ट्रेडिंग में आपको सिर्फ एक ब्रोकरेज अकाउंट की जरूरत होती है, लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। द सेवेंथ पैरामीटर इज पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट। डे ट्रेडिंग की हर ट्रांजैक्शन में लॉसेस या गेन्स इंक्लूडेड होते हैं। सारी ट्रांजैक्शंस को अक्यूमुलेट करके हम एग्जैक्ट प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। इन कंपैरिजन स्विंग ट्रेडिंग में हर सिंगल ट्रेड पर प्रॉफिट या लॉस की ग्रेटर अपॉर्चुनिटी होती है। डे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग का हमारा लास्ट पैरामीटर है कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोनों ट्रेडिंग मेथड्स के लिए कोई भी मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप चाहे तो 5,000, 50,000 या फिर 5 लाख से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग द सिक्योरिटी प्राइस, यू आर गुड टू गो। कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेसिकली ट्रेड होने वाली सिक्योरिटी पर डिपेंड करती है, जो कि स्टॉक्स, करेंसी, कमोडिटी या डेरिवेटिव्स कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हैं, तो डे ट्रेडिंग में इंगेज करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होगी। जनरली ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेड है कि आपके अकाउंट में स्टे एब्सोल्यूट मिनिमम से ज्यादा अमाउंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में आपके लिए क्या बेटर है। बेसिक रूल तो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग के लिए नॉलेज और एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। साथ ही डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस होते हैं। ये तो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेडिंग मेथड को चूज करते हैं। अगर आप कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो इजीली आप समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, आप स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाते हैं, आपके अंदर रिस्क टेकिंग माइंडसेट है, पैशन है और आप ट्रेडिंग को टाइम दे सकते हैं, तो आप डे ट्रेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने रिसेंटली इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। एडिशनली, अगर आप स्ट्रेस को कम टॉलरेट कर पाते हैं या डिसीजन मेकिंग में आपको टाइम लगता है, तब भी स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेटर ऑप्शन है। साथ ही अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट बुक करना है, इस सिनेरियो में भी आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ जा सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ हमने जाना है कि कौन सी सिचुएशंस में डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेटर काम करता है। वैसे तो दोनों ट्रेडिंग मेथड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लेकिन डे ट्रेडिंग में होल्डिंग पीरियड कंपैरेटिवली छोटा होता है। ऑन द अदर हैंड, स्विंग ट्रेडिंग में आपको डे ट्रेडिंग से कम टाइम देना पड़ता है। आप अपनी रिसर्च और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में से अपना मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड आर कीन टू नो मोर अबाउट सच कॉन्सेप्ट्स, देन स्टे ट्यून्ड विद अस।